नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जयपुर प्रेजेंट पर। दोस्तों आज है 16 जून, तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। तो दोस्तों ये हमारी जो डेली करंट अफेयर सीरीज है ये आपके लिए हमेशा प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली की जो 10 में कोशिश करूँगा कि जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं डेली की जो न्यूज़ के, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और कुछ उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। और दोस्तों साथ में मेरा यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इनके सबके लिए मैंने एक स्टडी प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और उस स्टडी प्लान के तहत मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता हूँ और डे बाय डे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो स्टडी प्लान देख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको 11 से 12 बजे के बीच वहाँ पर डेली वीडियो अपलोड मिल जाएगा। और साथ में ये जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपको 9 से 10 बजे के बीच मिल जाएगा, हमेशा डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह है, हाल ही में फिच ने भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो फिच, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने अभी हाल ही में भारत की जो आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा एक सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो फिट रेटिंग ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर, यानी ये किस साल के लिए किया गया है, 2018 और 2019 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। हालांकि उसने कर्ज की लागत बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जोखिम का भी करार दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स पत्रिका द्वारा संकलित सूची में उपभोक्ता वित्तीय सेवा श्रेणी में किसे वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थान दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फोर्स पत्रिका द्वारा संकलित सूची में उपभोक्ता वित्तीय सेवा श्रेणी में आवास वित्त प्रमुख HDFC को वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, HDFC का जो रैंक है पिछले साल से 7वें स्थान तक बढ़ा है। ठीक है, और अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इस श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है, जबकि जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है सूची में एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी जो कि 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोर्ब्स की। तो ये जो फोर्ब्स है ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, जिसकी जो स्थापना है ये 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। ठीक है, जो कि एक बिजनेस मैगजीन है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है तो वो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गुजरात को सबसे ऊपर राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि गुजरात को इसमें सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और इसी सूचकांक में जो सबसे नीचे, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन जिसने किया है, तो उसको वो है झारखंड, यानी कि इसको सबसे नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, तो जो जल संसाधन मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी की है और गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड को सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में चुना गया है। गुजरात के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल किए गए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, तो 2016-17 में त्रिपुरा को शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद सिक्किम और असम को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की। तो जो नीति का फुल फॉर्म होता है, यानी कि NITI, इसका जो फुल फॉर्म होता है तो वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इसमें जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो वो हैं राजीव कुमार, और जो CEO है नीति आयोग के तो वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मार्क ईआरपी लिमिटेड ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मार्क ईआरपी लिमिटेड ने यहाँ पर बताया गया किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये की है ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मार्क ईआरपी लिमिटेड एक प्रमुख सूची और लेखांकन सॉफ्टवेयर समाधान कंपनी ने मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु
और मध्यम उद्योग यानी कि MSME ग्राहकों को एकीकृत भुगतान मंच प्रदान करने के लिए समेकित परिसंपत्तियों द्वारा भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्रीय बैंक ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। जो इस एकीकरण का जो उद्देश्य है तो वो है कनेक्टेड बैंकिंग को बढ़ावा देना और ICICI बैंक के चालू खाता धारकों को अपने बैंक खाते को MARGERP सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और ERP मंच के भीतर से डिजिटल लेन देन की एक श्रृंखला शुरू करने में सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें ICICI बैंक के जो MD और CEO हैं तो वो हैं चंदा कोचर और जो ICICI बैंक का मुख्यालय है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ग्योर्गी क्विरिकाश्विली ने सत्तारूढ़ दल के नेता विजिना इवानिश्विली के साथ असहमत के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा जॉर्जिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री हैं ग्योर्गी क्विरिकाश्विली ने सत्तारूढ़ दल के नेता विजिना इवानिश्विली के साथ असहमत के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ठीक है, तो जो 50 वर्षीय क्विरिकाश्विली 2015 से देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का इस्तीफा उनकी सरकार के अर्थव्यवस्था को संभालने और हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर विरोध के बाद आया है। ठीक है, तो जॉर्जिया की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो जॉर्जिया की राजधानी है वो है इतबिलिसी कुतैसी और मुद्रा इसकी जो है जॉर्जियन लॉरी है और राष्ट्रपति जो हैं जॉर्जिया के तो वो हैं ग्योर्गी मगवेरलाश्विली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो वो है पूर्व विश्व बैंक अर्थशास्त्री उमर अल रज्जाक ने हाल ही में किस देश के PM के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों अभी पूर्व विश्व बैंक अर्थशास्त्री जो कि उमर अल रज्जाक है इन्होंने भी हाल ही में जॉर्डन के PM के रूप में शपथ ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर हो जाता है। तो राजा अब्दुल्ला ने नई सरकार की मंजूरी के निर्णायक निर्णय के बाद पूर्व विश्व बैंक अर्थशास्त्री उमर अल रज्जाक को जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात की रही है जॉर्डन की, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान और इसकी जो मुद्रा है तो वो है जॉर्डनी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो वो है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ये विश्व रक्तदाता दिवस है ये 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। तो हर साल 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इस बार जो विश्व रक्तदाता दिवस 2018 है इसका जो विषय है तो वो है वी दियर फॉर समवन एल्स गिव ब्लड शेयर लाइफ। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, वी दियर फॉर समवन एल्स गिव ब्लड शेयर लाइफ। तो ये जो कार्यक्रम है ये रक्त देकर जीवन बचाने वाले स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करता है और नियमित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वायत्त निकायों यानी कि CAB ठीक है द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ठीक है एक द्वारा एक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और मैं यहां पर जानकारी दे दूं कि जो केंद्रीय स्वायत्त निकाय जो कि CAB द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जो होता है PFRDA द्वारा एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सभी CAB को एक मंच प्रदान करना जहां विभिन्न NPS से संबंधित गतिविधियों में समय सारणी के अनुपालन के संबंध में NPS के कार्यान्वयन में प्रगति को सामने लाया जा सके और इसे बेहतर तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो वह हाल ही में कितने राज्यों ने आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 20 राज्यों ने अभी हाल ही में आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा ने 20 राज्यों के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ MOU का आदान प्रदान किया जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ABNHPM के लॉन्च के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट और आज के इस GK सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों तो वो है यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों जो यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की जो मेजबानी है तो ये भी हाल ही में भारत के द्वारा की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव जो EUFF नई दिल्ली सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में प्रीमियम
प्रीमियर करेगा, ठीक है। 23 EU सदस्य राज्यों की 24 नवीनतम यूरोपीय फिल्मों के चयन के साथ इस साल में के फिल्म समारोह विश्व सिनेमा के उत्साही लोगों के लिए कुछ असामान्य कहानियां लाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से ये आज का जो डेली जीके सेशन है ये समाप्त होता है यहीं पर, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप बस हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से डेली जीके क्विज आपको हमेशा मिलती रहेगी, और साथ में हम UPSC का प्लान भी चला रहे हैं, उसको भी आप देखते रहिए, वो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट पहुँचाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आप भी उसका बेनिफिट लेते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।